मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का नायक अवतार। रैली के मंच पर डीएसओ को बुलाकर किया सस्पेंड। कार्ड बनाने में लापरवाही, जनता के सामने कार्यवाही। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के दिल में यूं ही सालों से राज नहीं करते, बल्कि सालों के राज के पीछे फैसला ऑन द स्पॉट करने की आदत उन्हें जनता के दिल में बिठा कर रखी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना एक बार फिर नायक अवतार दिखाया है, जिसकी चर्चा एक बार फिर पूरे देश में हो रही है, क्योंकि शुक्रवार को सीएम डिंडोरी के जोगी टिकरिया में पहुंचे थे, जहां पर जनसेवा शिविर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर देखने को मिले। सीएम ने उज्ज्वला योजना समेत दूसरे कामों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को मंच पर ही तलब कर लिया। जनता की भीड़ के सामने ही कलेक्टर रत्नाकर झा से सवाल जवाब किए, साथ ही जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी टीआर अहिरवार को बुलाकर उन्हें तत्काल सस्पेंड कर दिया। सीएम को ये जानकारी मिली थी कि जिले में उज्ज्वला योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, जबकि सीएम ने जिले में 70,000 लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा था, वहीं जिले में सिर्फ 22,000 लोगों को ही लाभ दिया गया था। इस लापरवाही पर सीएम ने मंच से ही फटकार लगाई, साथ ही सस्पेंड करने का आदेश सुना दिया। जैसे ही मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की, वहां उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर मुख्यमंत्री की कार्रवाई का स्वागत किया। जब स्टार्ट किए थे सर, तो 1,02,000 हमारे उज्ज्वला के कनेक्शन धारी थे सर, 70,000 का लक्ष्य हमें सर जनवरी के माह में मिला था। इसमें हम आशातीत प्रगति नहीं कर पाए सर, लेकिन कैंप में जो सर्वाधिक आवेदन हमें मिले, क्यों नहीं कर पाए सर? 22,000 वाले बताए ना, क्यों नहीं कर पाए? 22,000 जो है सर अभी हमने कर लिया है सर उज्ज्वला में, और ये कैंप में जो आपका निर्देश, मैं ये पूछ रहा हूँ सीधे सीधे, क्या कर क्यों नहीं पाए सर? थोड़ी विभागीय कमियां रही हैं सर। कहां विभाग बुलाओ, कहां फूट फूट वाले कौन देख रहे हैं? जवाब देना पड़े, कौन है डीएसओ? कहां है ये खाद्य वाले? कौन है? आओ इधर। लेकिन सर हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। नहीं नहीं, इधर आके बताएं अब तक कितना कम कैसे हुआ। फूट वाले कौन है? जल्दी आओ भाई। कहां है? बुलाओ जल्दी। सर डीएसओ कहां है? जहां भी यहां पहुंचे सबको बुला के रखे नहीं क्या? नहीं सभी है सर यहीं पे। कहां है? बुला जल्दी। ये उज्ज्वला के कार्ड क्यों नहीं बने? इनको दो माइक, इधर आओ। ये उज्ज्वला के कार्ड क्यों नहीं बने सर? जी बन रहे हैं सर, हर हफ्ते कैंप लग रहे हैं हमारे गैस एजेंसी वाले, हर दिन कैंप लगा रहे हमने। टारगेट बताओ, गैस एजेंसी वाले को बनाना था कि आपको बनाना था? गैस एजेंसी वालों को बनाना है सर। क्लियर करो, गैस एजेंसी वाले ही केवाईसी करते हैं, पर कंपनी उससे अपना क्या काम है? गैस एजेंसी वाले नहीं बनाए तो आप काय के लिए हो? नहीं हम उसको कैंप लगवा रहे थे हर मतलब एजेंसी के, और हमने कलेक्टर साहब की तरफ से 50-50 पंचायतों के कैंप के टारगेट दिए ना, वो तो कर रहे। भाई 70,000 कब स्वीकृत हुए थे बताओ, टारगेट कब आया? ये मुझे ध्यान है सर, ये जनवरी लास्ट में सीएस सर ने बैठक ली थी सर। जनवरी लास्ट से अब हो गया सितंबर, ये तो पहले के हैं। अभी 70,000 का पूछा, 70 में से 30 ही क्यों बने? सब क्यों नहीं बने? अरे चल कब तक चलेगा भाई? सर खराब है सर, आपको सस्पेंड कर रहे हैं हम, चलो। इस दौरान जो मंच पर काफी देर तक गहमा गहमी रही, मुख्यमंत्री ने पहले तो मंच पर कलेक्टर रत्नाकर झा को बुलाया, फिर जब कलेक्टर के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी टीआर अहिरवार को भी बुलाया। डीएम ने मंच पर बताया कि विभागीय अधिकारी के चलते लक्ष्य को नहीं पाया जा सका है, जिस पर सीएम शिवराज ने कहा कि जनवरी से अब सितंबर हो गया है, ऐसे में लक्ष्य कब तक पूरा होगा? उन्होंने कहा कि लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए इन्हें तत्काल निलंबित करिए। इस बीच जनता से भी आवाज आई कि इन्हें हटाइए। जनता की अनुमति मिलते ही सीएम शिवराज ने नाम नोट कराया और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से कहा कि आपको निलंबित कर रहे हैं, आप जाओ। इसके बाद एसडीओ मुंह लटकाकर मंच से नीचे उतर गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।